So I've got Khuda Hafiz that I'm shooting for. Then I've got another film called Power with Mahesh Manjrekar. So abhi ye hai, abhi aur aage dekhte hain. Okay, so besides that, you know, lastly, although we are celebrating success today, but ek cheez aur janna chahungi, you know, the Priyanka Reddy case, which happened 2 days back. What do you want to say on that? And do you think the women are safe here? Because these all things are happening. It's not the first time it has already happened so many times. So what do you want to say on that? हमारी सोच ये है कि जस्टिस हैज़ टू बी डन इन द क्विकेस्ट पॉसिबल वे. एक महीने के अंदर उनका केस कंप्लीट हो जाना चाहिए और उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए फॉर डूइंग व्हाट दे हैव डन. आई कांट एक्सप्रेस हाउ एंग्री एंड पेन्ड वी ऑल फील, एंड वी फील हेल्पलेस बिकॉज हम अगर आज हमारे सामने आ भी जाए तो हम उसका गला नहीं घोंट सकते. कानून हमें उसकी इजाज़त नहीं देता, पर अंदर से फीलिंग यही होती है कि अगर सामने आ जाए तो गला घोंट के यहीं जान ले लेनी चाहिए. इट इज़ दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड आई बिलीव के हमें एक सिस्टमेटिक चेंज की बहुत ज़रूरत है. बचपन से हमारे सिलेबस में हमारी माओं को, अपने बाप, हर पिता को अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा औरत की इज्जत करना. हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको एक कंपल्सरी टॉपिक बनाना पड़ेगा कि हर लड़का लड़कियों की इज्जत करना सीखे और इस तरीके की हरकत करने का ख्याल भी उसके दिमाग में ना आए. सो आई थिंक इट्स टाइम. हर बार हम कैंडल मार्चेस करते हैं, आक्रोश दिखाते हैं और फिर जब तक अगला ऐसा कोई अपराध नहीं होता हम भूल जाते हैं. अगर हम ना भूलें और इसको इस पूरे मोमेंटम को यूज़ करें तो मुझे लगता है कि वो उस जो लड़की जिसके साथ इतना बुरा हुआ उसकी आत्मा के लिए कुछ हमारी ओर से कंट्रीब्यूशन होगा. जैसे आपने कहा कि डू यू थिंक इट्स सेफ, अभी तक लगता था, जब भी थोड़ा यकीन होने लग जाता है तो इस तरह का कुछ हादसा हो जाता है. सो द आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट, सर्टेनली नॉट सेफ. लाइक पीपल सर सेड, देयर इज सो मच एंगर, एवरीबॉडी आई मीट, दिस कॉन्वर्सेशन जस्ट एज एन इंटरव्यू इज ऑल्सो नॉट अ वेरी ग्रेट कॉन्वर्सेशन. इट मेक्स यू एंग्री, दैट्स द ओनली इमोशन आई फील. एंड येस, आई बिलीव द फैक्ट दैट देयर वाज सेफ्टी, बट आई डू नॉट एग्री विद इट एनी मोर. Thank you. जो गोरी वाली नहीं थी, हाँ तो विजुअल लिए बस ना, बस हो गया. चलो क्या कर रहा है, हो गया साधना. सोलो 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 विजुअल्स. हाँ वो है, थोड़ा साइड हो जाओ ताकि दो लोग बोल रहे हैं, तीन लोग खड़े हो रहे हैं उनके उनके लिए. थैंक यू सर को. सोलो सोलो गनिया, ये गनिया गने बुढ़े गने मतलब फोटो काटना होता ले 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 ऊपर करवा लेते हैं. विदु सर, विदु सर, विदु सर, विदु सर, एक फोटो, एक एक्शन, एक फोटो, फोटो चाहिए सर, फोटो. बहुत बड़ा फैन है कृष्णा भी निकालेगा, बाल ही बना रहा क्यों जा सर, मैं तू भी निकाल ले ना, नेवर. ए भाई पैकअप करो, नहीं तो वो लेके आएंगे उसके लिए. हां देख भाई, कैमरा मैन को एक और चाहिए. गुड, थैंक यू सर. तो लेना तो वन विद दैट साइड एज वेल. Yes. Thank you. From the Commando 3 film to release here, but as well as music.
मेरे ख्याल से एक्शन फिल्म में म्यूजिक का इम्पोर्टेंस होता है बिकॉज एक्शन के साथ साथ आपको इमोशंस भी होने बहुत ज़रूरी है. सो देर नीड्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल वैल्यू टू द फिल्म एंड दैट इमोशन एड्स टू अ स्ट्रॉन्गर एक्शन एंड क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट. तो मेरे हिसाब से म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डेफिनेटली एक्शन फिल्म के लिए म्यूजिक देना बहुत ही एक चैलेंजिंग अफेयर है. तो इट डिपेंड्स आप सही तरीके का गाना आप चूज़ करेंगे और सही उस फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको गाना सूट होना चाहिए. वो सब चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हमको म्यूजिक देना पड़ता है. सो इट्स वेल इस फिल्म में मेरा गाना है अखियाँ मिला मांगा जो अरिजीत सिंह ने गाया है और वो गाना आई एम गेटिंग आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स टू द सॉन्ग. और एक गाने के एक ही हफ्ते में 200 से ज़्यादा फैन कवर्स बन चुके हैं. इससे बड़ी सक्सेस हमको इस गाने को मिल ही नहीं सकती है. ये बहुत ही अपने आप में एक रिकॉर्ड है. तो आई एम वेरी यू नो ब्लेस्ड कि ये गाना ही चल पड़ा है लोगों में. थैंक यू सो मच. दादा बूट गया.
दादा जी सामने आइए। ₹200 की।